राजस्थान में एक शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ पर ससुराल में मारपीट की शिकार एक महिला निर्वस्त्र होकर 3 किलोमीटर तक चलकर थाने पहुंच गई। जी हाँ, यह घटना है अलवर के थानागाजी गैंग रेप कांड के बाद अब चुरू जिले के बिदासर में। वहाँ की यह घटना है और यहाँ के लोगों का कहना है कि बार बार सूचना देने के बावजूद पुलिस जब मौके पर नहीं पहुंची तो एक निर्वस्त्र महिला खुद थाने के लिए चल पड़ी। वह 45 मिनट तक भीड़ भाड़ वाले राजमार्ग पर इसी हाल में चलती हुई थाने जा पहुंची। महिला के देवर और जेठानी का दावा है कि वे पहले ही थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दे चुके थे और राहगीरों ने भी सूचना दी, लेकिन पुलिस अनसुनी करती रही। अंततः थाने के करीब पहुंची महिला को देखकर पुलिस हरकत में आई और उसके शरीर पर चादर लपेटी गई। पुलिस ने ससुराल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी बीच रास्ते में निर्वस्त्र महिला का वार्ड नंबर 6 निवासी उमा शंकर द्वारा वीडियो बना लिया गया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर यह महिला महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली है। 1 साल पहले बिदासर के एक व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था। पति 6 माह से असम गया है मजदूरी करने और ससुराल में उसे सास जेठानी जेठ देवर परेशान करते हैं। पति के भेजे गए रुपयों को छीन लेते और मारपीट करते हैं। रविवार सुबह भी उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। उसके बाद वह बिना कपड़ों के ही थाने के लिए चल पड़ी। कुल मिलाकर राजस्थान इन दिनों इस तरह के कांड से सरोबार है और सत्ता पक्ष को लगातार विपक्षी दलों द्वारा घेरा जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।